प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री ने कहा कि हर युवा को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, लेकिन स्वरोजगार के जरिए युवा जहां आजीविका कमा सकते हैं, वहीं अन्य युवाओं को भी रोजगार दे सकते हैं। नरेंद्र अत्री ने कहा कि स्वरोजगार की संजीवनी से बेरोजगारी का अंधकार दूर किया जा सकता है। नरेंद्र अत्री स्थानीय युवा मनोज कुमार द्वारा शुरू किए गए स्वरोजगार का आगाज कार्यक्रम के शुभारम्भ मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। नरेंद्र अत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई युवा आजीविका योजना जहां बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया योजना से लाखों युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलती है। नरेंद्र अत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मात्र एक वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, सौर सिंचाई योजना, बागवानी सुरक्षा योजना, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना जैसी अनेकों योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल रहा है। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय लोगों, युवाओं ने नरेंद्र अत्री को फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नरेंद्र अत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से देश में एक सकारात्मक माहौल तैयार किया है। लक्ष्य एक ही है कि भारत समृद्ध और खुशहाल हो और भारत पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में जाना जाए। आरंभ हुआ वही स्वरोजगार का भी आगाज, क्योंकि बहुत जरूरी है। वर्तमान युग में बेरोजगारी के अंधकार को दूर करने के लिए स्वरोजगार की जो संजीवनी है वही काम करने वाली है। बात चाहे केंद्र सरकार की हो या बात चाहे प्रदेश सरकार की हो, हर स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि युवा केवल सरकारी नौकरियों की ओर ना जाते हुए स्वरोजगार की पहल करें। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के प्रयास से ना केवल व्यक्ति खुद के लिए रोजगार सृजित करता है, बल्कि अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। मैं इसके लिए, इस पहल के लिए जहां MI को बधाई देता हूं, वहीं शुभकामनाएं देता हूं मनोज जी को भी, जिन्होंने एक और पहल स्वरोजगार के क्षेत्र में करी है। और मेरा पूरा मानना है, पूरा विश्वास है कि इस तरह की पहल करके ही युवा अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जहां अपने लिए रोजगार सृजित करता है, वहीं कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था, समाज को चुस्त तंदुरुस्त बनाने में भी अपनी भूमिका का योगदान देता है।